अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन चीज़ कबाब, जिसके लिए मैंने आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया है। बिल्कुल स्मूथ रहना चाहिए, कीमा अच्छे से पिसा हुआ होना चाहिए। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और ये कुटी हुई मिर्ची 1/2 टीस्पून ली है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून ही नमक भी ऐड करेंगे। नमक कम ही ऐड करेंगे क्योंकि हम इसमें चीज़ डालने वाले हैं, चीज़ में भी नमक होता है। अब एक बारीक कटी हुई प्याज ली है मैंने, एक प्याज लेंगे बारीक कटी हुई, इसमें ऐड करेंगे और कटा हुआ बारीक हरा धनिया ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लावर लिया है 1 टेबल स्पून, आप चाहे तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, हाथों की हेल्प से इसको मिक्स कर लेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो सबसे पहले आपको दिख पाएगी। तो देखिए, चिकन को अच्छे से मैंने मसाला लगा लिया है, चिकन के कीमे को, और हाथों को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और एक इतना बड़ा साइज़ का पार्ट ले लेंगे। इसको हमें अच्छे से अपनी हथेली पर देखिए चपटा कर लेना है। और ये चीज़ मैंने ले लिया, ये प्रोसेस चीज़ है, इसको ग्रेट करके लिया है। अगर आप मोज़रेला चीज़ का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चीज़ थोड़ा ज़्यादा ही भरेंगे हम इसमें, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा चीज़ रहेगा तो खाने में मज़ा भी आएगा, बट एकदम ज़्यादा ओवर भी मत भरिए, वरना जो है कबाब आपके फट जाएंगे और चीज़ मेल्ट होकर बाहर निकलने लगेगा फ्राई करते वक्त। और बिल्कुल हल्के हाथों से देखिए इसको फ्लैट करना है हमको, एकदम मोटे मोटे कबाब नहीं बनाने हैं, थोड़े पतले ही बनाने हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से बड़े बड़े साइज़ के और पतले से मैंने कबाब बना लिए हैं। अब दूसरा भी मैं एक आपको बनाकर बता रही हूँ। सेम उसी तरीके से हाथों पर पहले ऑयल लगा लेंगे, एक पार्ट ले लेंगे हम चिकन के कीमे का, उसको फ्लैट करके उसके बीच में हमें सेंटर में चीज़ को भर देना है और इसको हल्के हाथों की हेल्प से बंद कर देना है। बहुत ही इजी है इसको बनाना और बहुत जल्दी भी बन जाता है, ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं है। तो सारे कबाबों को हम इसी तरह से बनाकर जो है रेडी कर लेंगे। आप इस तरीके से बनाकर कबाबों को एयरटाइट कंटेनर में पैक करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और एक हफ्ते तक ये अच्छे रहेंगे, और जब आपको खाना हो तब आप इसको ऑयल में फ्राई करके खा सकते हो। तो देखिए, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, एक एक करके हमारे चिकन चीज़ कबाब को हम फ्राई करने रखेंगे। मैंने ग्रिल पैन लिया है, अगर आप फ्राई पैन में इसको फ्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे, फ्लेम हाई नहीं रखना है। देखिए, 5 मिनट एक साइड पकाया है, अब इसकी साइड को हम टर्न कर देंगे और दूसरी साइड पर से भी हम इसको 5 मिनट ही पकाएंगे, ज़्यादा भी इसको पकाना नहीं है, वरना चिकन आपकी हार्ड हो जाएगी। सॉफ्ट रहना चाहिए चिकन का टेक्सचर, जूसी होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा ओवर कुक कर दोगे तो थोड़ा सा चिकन जो है सूखा सूखा लगेगा खाने में, हार्ड लगेगा। तो देखिए, फ्राई हो चुके हैं हमारे कबाब, हम इनको निकाल लेते हैं और देखिए ये फूल भी चुके हैं। जब ये कुक होने लगते हैं ना तो ये फूल जाते हैं थोड़े थोड़े से ऊपर से। तो देखिए, हमारे मज़ेदार से चिकन चीज़ कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। एक मैं आपको कट करके बता रही हूँ, देखिए कितने चीज़ी माशाल्लाह हमारे कबाब बनकर रेडी हुए हैं और इतने टेस्टी है ये खाने में। आप इनको दावतों में बना सकते हैं, पार्टीज़ में बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर घर पर भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके चिकन चीज़ कबाब कैसे बने थे। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।